बेटा अगर हम यहाँ से हम जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे, हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 580 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड होता है CH3CHO गैसियस, ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। इन्होंने कहा है बेटा वो किसका इनिशियल प्रेशर जो था टाइम टी जीरो पर वो 363 टोर। ओके बेटा वो ये इनिशियल प्रेशर है टाइम टी जीरो पर, और इन्होंने कहा है यहाँ पर कि अगर इसकी इस रिएक्शन की रेट देखी जाए तो इस रिएक्शन की जो रेट है या डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो 1 है, 1 टोर पर सेकेंड, जब ये 5% रिएक्ट कर चुका था तब। बेटा वो 5% रिएक्ट कर चुका था तब, और 5% रिएक्ट कर चुकने का मतलब x 5% है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 95%। तो जब टाइम t1 पर x 5% रिएक्ट कर चुका है दैट इज रिमेनिंग अमाउंट हो गया 363 का 95% रिमेनिंग अमाउंट जब बचा होगा उस समय रिएक्शन की रेट r1 है 1 टोर पर सेकेंड। ऐसे आप डेटा बना लिया करो, आसान हो जाएगा। इसने कहा है उस टाइम पर जब ये 33% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, 33% कंप्लीट का मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा बेटा वो 363 का 67%। ये बच गया 33, अगर डिसोसिएट हो गया है तो बचा कितना 67%। तो आपको पता है कि हम इसको बोलते हैं ए इनिशियल अमाउंट और इनको बोलते हैं रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स। तो रिमेनिंग अमाउंट माइनस एक्स जो है वो T1 पर 95% होगा, इसका 67% होगा। उस समय रेट कितनी है, अब रेट है 0.5 टोर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन, इसने पूछा है ऑर्डर बताओ रिएक्शन का, है ना बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन, ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन कितने टाइम्स, रेशियो निकाल लो आप इसका। तो आप जब रेशियो निकालोगे तो 363 का 95%, 363 का ही 67%, इट मींस मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 95/67 आउट ऑफ 100 इतना है, तो इतना कितना होगा, सेम वैल्यूज है जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स है उसको समझ गए होंगे, इज इक्वल टू रेट हो गया बेटा 1/0.5 को मैं 2 कह सकता हूँ, और 95/67 को आप डिवाइड करोगे तो इट विल ऑलमोस्ट 1.41, इट इज इक्वल टू 2। लेकिन आप हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं पता, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमें इस रिएक्शन में कंसंट्रेशंस का जो रेशियो होगा वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसी अकॉर्डिंग रेट चेंज होंगी। तो मेरे बेटा वो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द ऑर्डर ऑफ एसीटैल्डिहाइड इज एन, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ऑर्डर एसीटैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में एन है, तो कंसंट्रेशंस के रेशियो पे पावर एन विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कितनी हो गई है, रेट 2 टाइम्स हो गई है। अब बेटा वो आप सब लोग जानते हो ये वैल्यूज, आप लोग अच्छी तरह से आपको याद होती है, 1.414 जो है वो क्या है बेटा, या तो आप ये कह सकते हो 1.414 को रूट 2, या बेटर ये है कि आप इस 2 को चेंज कर लो 1.414 पे पावर 2। ओके बेटा हो, ये आप लोग जानते हैं ना रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 2 की जगह पर मैं 1.414 का स्क्वायर यूज कर सकता हूं। अब बेस सेम है तो पावर सेम, दैट इज ऑर्डर विल बी 2। बोलो बेटा क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। तो ये थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ता है हमें, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कितनी जल्दी कर सकते हैं। अगर सेम अमाउंट की डिफरेंट परसेंटेज है तो उनका रेशियो आप डायरेक्ट परसेंटेज में ले सकते हो, और ऑर्डर यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एन है, क्योंकि कंसंट्रेशंस के रेशियो पे पावर एन रेट ऑफ द रिएक्शन के रेशियो को बताएगा, क्योंकि वही बताएगा कितने टाइम्स करने पर रेट कितना होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ तो ये ओरली क्वेश्चन है कि अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 100 सेकंड लग रहे हैं बेटा,
किसी भी अमाउंट को 50% कंप्लीट होने में 100 सेकंड लग रहे हैं और इसको 75% कंप्लीट होने में 200 सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब इस 50 का अगला 50, ये टाइम भी फिर कितना होगा, 200 माइनस 100 दैट इज 100 सेकंड होगा। इससे क्लियर हो गया कि इनिशियल अमाउंट 50% जो है उसमें टाइम दैट इज हाफ लाइफ सेम है, इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। और मेरे बेटा वो हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट किसके लिए होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड किसके लिए नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया। सो आंसर विल बी डी। इसके आगे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 50 मिनट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125 इन वन सच डिकम्पोजिशन। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी। इसने कहा है H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये 0.5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन से 0.125 रहने में 50 सेकेंड लेता है। तो मेरे बेटा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल और रिमेनिंग अमाउंट का रेशियो 1/2 के टर्म्स में आप चेंज कर सकते हो, तो आप देख सकते हो 0.5 से 0.25 अगेन 0.125, दैट इज दो हाफ लाइफ लगेगी। इसने कहा है टोटल टाइम जो लग रहा है वो 50 लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि दो हाफ लाइफ है वो 50 मिनट है। अगर दो हाफ लाइफ 50 मिनट है बेटा हो, तो एक हाफ लाइफ कितना होगा, सो हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 25 मिनट। ओके बेटा हो, अब इसने हमसे लेकिन क्या पूछा है, इस रिएक्शन को लिखो पहले, H2O2 इज डिकम्पोज इनटू H2O प्लस हाफ O2। इसने हमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के टर्म्स में रेट निकालो, एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकालो। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एट टाइम टी जिस पर निकाल रहा है। और मेरे बेटाओ, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी O2 के रेस्पेक्ट में, इट विल बी 1/2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन DT। और उसने हमसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है, दैट इज DO2/DT पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, DO2/DT दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इनटू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ये ध्यान रखना, जिस टाइम पर रेट निकालते हैं उस टाइम पर ही कंसंट्रेशन ली जाती है। तो इसने हमसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 का किस समय, जब H2O2 की कंसंट्रेशन 0.05 पहुंच गई है, तो 2 × K × 0.05, सिर्फ K मिसिंग है अब यहाँ पर। तो K कैसे निकाले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हमें हाफ लाइफ मालूम चल चुका है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे बेटा आप सब लोग जानते हो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693/T½, और टी हाफ कितना है 25 मिनट्स। ओके बेटा, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अरे बोलो भाई, अब यहां पर ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को और जरा सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, और इसमें चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन चेक करो बेटा, बताओ कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। बोलो बेटा, हो
इसमें कोई मिस्टेक नहीं है? इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटा, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, इसलिए मैंने सॉल्व करने से छोड़ दिया आगे, कि आप लोग मेरे जो बताया हुआ है उस पिक्चर को आप कभी समझते ही नहीं हो यार, कोशिश ही नहीं करते हो समझने की। एक भी स्टेप अगर मैं गलत करता हूँ कि देखते हैं आप में से कोई बोलेगा, आप रेस्पॉन्स दोगे, तो आप लोग नहीं बोलते हो, बार बार पूछता हूँ तो नहीं आप बोलते हो, मतलब यार ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे बेटा हो। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम रेट लॉ निकालते हैं, तो उस सबस्टेंस के कोफिशिएंट का हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 1/1/2 होगा ना, यहाँ पे कोफिशिएंट बेटा 2 थोड़ा ही है, अगर यहाँ पे 2 कोफिशिएंट होता तो 1/2 आता ना, O2 का O2 का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/1/2 आएगा ना, तो उस केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 का होगा बेटा, अब डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, -4 मोल पर लीटर पर मिनट, पर मिनट क्यों, क्योंकि मिनट में, अभी भी बताना पड़ेगा क्या, अब बात समझ में आ गई। अरे मेरे बेटा हो, ये इस पॉइंट को मैं रेड मार्क से मार्क कर दिया, अब याद रहेगी, ये गलतियां आगे मत करना किसी भी क्वेश्चन में, ये वो गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं, मैं इसलिए इनको स्पेशली आपके सामने एक बार गलत स्टेप करके फिर आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में लंबे समय तक ये रिटेन रहे, ये बात कि ये गलती हम लोगों को जल्दी में नहीं करनी है, कोफिशिएंट्स का डिवाइड करना है, या कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 का डिवाइड करना है, ना कि 2 का, ओके। और ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से इसलिए भी किया है कि मेरा स्टूडेंट लास्ट जो था वो इस क्वेश्चन को इसी तरह से गलत करके आया था, हालांकि वो IIT कानपुर से आज की डेट में अब पास आउट हो चुका है कंप्यूटर साइंस से, अच्छी रैंक आई थी, बट ये एक दो क्वेश्चन गलत अगर उसके नहीं होते तो जो आपका टॉप 500 रैंक में था वो आराम से टॉप 50 तक पहुंच सकता था, ऐसी छोटी छोटी गलतियां उसने 3-4 क्वेश्चंस में की थी और वही उसकी रैंक उसकी बिगड़ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप स्पेशली ध्यान रखो जो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, आपको ये याद रखना है कि कोफिशिएंट्स के डिवाइड में कोफिशिएंट क्या है रिएक्शन में, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ये क्वेश्चंस में आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको बता सकूं कि क्वेश्चन में आप लोग कहाँ गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, इस पे ध्यान दो। मुझे ये नहीं बताना आपको कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, तो इसलिए जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो ध्यान दिया करो हर स्टेप पर। अगर आप गलती नहीं पकड़ पा रहे हो इसका मतलब है कि ऐसी गलतियां आप भी आगे कर सकते हो, फिर इन पर फोकस करो। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ू बेटा आगे, तो अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 17। इन्होंने कहा है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इस के ए बी दैट इज ए और बी दोनों के एस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.1 to 0.3 मोल, इन्होंने कहा है बी की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 मोल कर दी है बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए एट 0.1, दैट इज कीपिंग का मतलब पहले भी इतनी ही थी है कि मतलब ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की है, बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है रेट कांस्टेंट, तो वेरी गुड बेटा, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट लॉ नहीं पूछा आपका, या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछता तो 3 टाइम्स हो जाती, बट उसने तो रेट कांस्टेंट पूछा है, तो आपको बता चुका हूँ कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा जो पहले है, तो पहले कितना है रेट कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिया हुआ है के, ये देखो आपको दिख रहा है, तो बाद में भी के ही रहेगा, दैट इज आंसर विल बी डी। जल्दी में बच्चे यहाँ पे 3 के करके आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है या रेट कांस्टेंट पूछा है, ओके बेटा हो।
अरे बात समझ में आ गई बेटा, हो रेस्पॉन्स तो किया करो भाई। चलो इसके आगे देखो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड। मुझे पूछना पड़ता है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आप रेस्पॉन्स ही नहीं करते हो यार। अगर आप टाइमली रेस्पॉन्स कर दिया करो तो मुझे ये बात नहीं पूछनी पड़ा करेगी। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर 3 से ज्यादा होती है, ये रिएक्शंस रेयरली ही पाई जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये चीज मैं आपको थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एट द सेम टाइम एक साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। इज दैट क्लियर? ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखते हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन ए की सेम रखते हैं, बी की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, तो रेट कितनी होगी? अब इन्होंने रेट पूछा है। क्या पूछा है इन्होंने? अब रेट तो बेटाओ, ए के टर्म्स में ऑर्डर एक, एक बी के टर्म्स में ऑर्डर एक, तो ए तो सेम रखा है, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्डर वन है तो बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट भी डबल हो जाएगी। सो आंसर विल बी सी। पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर रेट पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को स्पेशली रिवाइज किया करो, दिमाग में को सेट किया करो, हमें इन पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20th की बात करता हूँ बेटा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में, वेरी गुड, शाबाश बेटा कशिश, आपका आंसर सही है। 20th का डी होगा, पर फिर भी हम एक बार देखते हैं यहाँ पे बाकी बच्चों के लिए। यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर डबल करने पर कंसंट्रेशन है वो सेम रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बी की डबल करने पर भी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0। अब आप यहाँ पर कोई सा दूसरा डेटा ले, तो आप फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन देखें। अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड देखते हो तो अब ए को डबल किया है, अब आपको बी को तो देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। अब सिर्फ ए को देखो, एक ही कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रही है, इसका मतलब एक ही रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो रेट लॉ इसने पूछा है वो हम देखें, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या होगी? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी लिखेंगे नहीं, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। और अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग निकालू फॉर्मूला, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सी का कोफिशियंट 1 है, इसका मतलब सी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कोफिशिएंट इक्वल है। सो मेरे बेटा, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दैट इज डीसी बाय डीटी विल बी इक्वल टू के ए। शाबाश बेटा, कुछ आगे क्वेश्चंस और लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम बेटा, तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इन्होंने कहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया इन्होंने, 15 मिनट है, तो बताओ 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर कितना अमाउंट बचेगा? तो 1 आवर का मतलब 4 हाफ लाइफ होगी बेटा, ओरली क्वेश्चन से ये 4 हाफ लाइफ हो गई ना, और 4 हाफ लाइफ का मतलब अब अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन क्या होता है बताया था मैंने आपको, 1/2 पे पावर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यहाँ पे n हाफ लाइफ है ना, 4 हाफ लाइफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 पे पावर 4, दैट इज 1/16 होगा फ्रैक्शन, रिमेनिंग और इनिशियल अमाउंट का मतलब जो अमाउंट बचेगा वो इनिशियल का 1/16 होगा। आंसर सी। ये फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूँ, यूज करना सीखो। फर्स्ट ऑर्डर कहते ही आप लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते थे। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन एन से एन बन रहा है, एलिमेंट्री कहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एम दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 1 है यहाँ पर, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी। ये कहा है 8 टाइम्स हो गई है रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन एम की डबल की है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम, तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट अगर 8 टाइम्स हो रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन पे पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 3। इसके आगे क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दिया हुआ है, कांस्टेंट
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड टाइम टी दिया हुआ है इज 0.5, मतलब रिमेनिंग अमाउंट दिया हुआ है बेटा। इसने इसने पूछा है व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। कसे शाबाश बेटा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप एक ही फॉर्मूला याद मत क्या करो, एक तो फॉर्मूला होता है डिसोसिएट अमाउंट एक्स इजिकल्स टू के टी, एक होता है रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स इजिकल्स टू ए माइनस के टी। अगर आप लोगों से इनिशियल अमाउंट पूछा जा रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूले को पुट करोगे। तो रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स कितना दिया हुआ है कि 0.5 एम रह गया है। देखिए आप लोग इज इक्वल टू ए उसने पूछा है माइनस के 2 × 10⁻²⁰ × 10 दिया हुआ है 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड बाद इतना बचा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू ए माइनस, ये भी 0.5 हो गया। सो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू 1 एम। इसके आगे देखें आप 24th क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है पी को जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ 75% वो डबल है टू द टाइम टेकन इन 50% ऑफ इट्स कंप्लीशन। पी के बेटा 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है पी को, वो उसके उससे 75% होने में डबल लग रहा है। डबल का मतलब समझ गए, इसका मतलब आपको बताया हुआ है ना बेटा मैंने, कोई एक का पहले टी हाफ होगा तो 50%, फिर उसका टी हाफ होगा तो फिर उसको 75% हो जाता है टोटल, दैट इज टू आपके हो गए। इसका मतलब ये हो गया डबल होने का मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है ये। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू पी हो गया 1। ओके बेटा, 75% होने में टाइम जो लगेगा वो 50% का डबल लगता है, हम जानते हैं एक्स एक्स तो 75 में कितना टाइम लगेगा 2x, दैट इज डबल हो गया। इसमें दूसरा इसने कहा है कि q के रेस्पेक्ट में एक इन्होंने चेंज का कर्व दिया हुआ है। अरे वेरी गुड, ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया बेटा। हो चलो बेटा एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपका मैसेज आया एक बच्चे का कि सर इसको रिपीट कर दो। देखो बेटा मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, एक्चुअल में जब हम थ्योरी पढ़ते हैं क्वेश्चंस करते हैं तो ये बातें हमें याद हो जाती हैं, पर एक बार फिर देखो आप लोग, आपका क्वेश्चन आया है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर देखो बेटा। मेरे बेटा आपको बताया ना कोई अमाउंट ए हो या मान लो एक मोल है, तो अगर एक मोल से टी हाफ, हाफ लाइफ में कितना रह जाएगा ये 0.5 मोल, अगले टी हाफ में कितना रह जाएगा बेटा ये अगली हाफ लाइफ में 0.25 मोल। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये कह सकता हूँ कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई, और यहाँ से यहाँ कह सकता हूँ कि 50% कंप्लीट हो गई। 50% में अगर टी आप एक सेकंड है तो अगले टी आप में भी एक सेकंड ही होगा। कब? अगर ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप इसको उल्टा सोच सकते हो कि अगर हाफ लाइफ 50% में टाइम एक्स है, 75% में टाइम कितना हो जाएगा बेटा 2x, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा ना, तो हाफ लाइफ सेम। हाँ तो हाफ लाइफ सेम कब रहती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना। तो इस डेटा से क्लियर हो गया ना कि P जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ओके सर। हाँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है विद रेस्पेक्ट टू P इज 1, क्योंकि सर डेटा दिया हाफ लाइफ सेम है उसकी, 75% को मान लो दो हाफ लाइफ, 50% का मतलब होता है हाफ लाइफ, 75% मींस टू हाफ लाइफ। ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने कहा है कि क्यू जो है वो चेंज शो कर रहा है कर्व के अकॉर्डिंग। अब इस कर्व में मैंने आपको, अरे वेरी गुड, ये तुम्हारे वापस काम में आ गया। ये देखिए आप यहाँ पर इस ए माइनस एक्स रिमेनिंग अमाउंट को मैं कंसंट्रेशन ऑफ क्यू एट टाइम टी कह सकता हूँ, ए को कंसंट्रेशन ऑफ क्यू एट टाइम टी जीरो कह सकता हूँ, इज इक्व टू माइनस के टी। ये वाई एक्सिस पे लिया है, वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, सी में क्यू नोट दिखाया हुआ उसने, सी हो गया, नेगेटिव स्लोप है इसका माइनस के, इसका मतलब जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू हो गया जीरो। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का बेटा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 + 0, दैट इज 1, आंसर डी। ओके अगर हम इसके आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, ये दिया है 1.386, क्वेश्चन चेंज है बेटा, ये 25th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अब, 1.386 मोल पर लीटर, ये डेसीमीटर क्यूब मतलब पर लीटर, ओके बेटा, डेसीमीटर क्यूब को लीटर बोलते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, ये कह रहा है कि कोई एक रिएक्टेंट है, ये 40 सेकेंड में आधा हो जाता है, मतलब इसकी हाफ लाइफ 40 सेकेंड होती है अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो तो। ये कह रहा है यही अमाउंट आधा हो जाता है, दैट इज की हाफ लाइफ 20 सेकेंड हो जाती है अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया, बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वेरी गुड। क्वेश्चन में इसने कहा है कि कोई एक सब्सटेंस है जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1.386 मोल पर लीटर है, ये सब्सटेंस जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो इसको आधा डिसोसिएट होने में, दैट इज इसकी रिएक्शन को 50% होने में जो टाइम लगता है वो 40 सेकेंड है, और जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है, जीरो ऑर्डर हो रिएक्शन का, तो उस समय इसकी हाफ लाइफ 20 सेकेंड हो जाती है, मतलब 20 सेकेंड में ही आधा डिसोसिएट हो जाता है। इसने पूछा है तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट K1 और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट K0 का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा रेट कॉन्स्टेंट K क्या होता है, जिसको उन्होंने K1 कहा है, इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T½ होता है बेटा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, जीरो ऑर्डर के लिए एक्स इज इक्वल टू KT, फिर लिख देता हूँ अगर एक्स है वो A/2 हो जाए, मतलब आधा डिसोसिएट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा K × इसको बोलेंगे T½। तो रेट कॉन्स्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K को मैं K₀ बोल देता हूँ, K₀ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा A/2 T½। ए कितना है 1.386 अपॉन 2 × T½ कितना दिया है 20 सेकेंड, और ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में T½ कितना दिया है 0.693 अपॉन 40 सेकेंड। इसने रेशियो पूछा है K₁/K₂ का, सो K₀ इज इक्वल टू, अब आप लोग समझदार हो, रेशियो क्या होगा बेटा आपके सामने आ गया 0.693 अपॉन 40 अपॉन K₀ है आपका 1.386 अपॉन 2 × 20, दैट इज 40, से 40 कैंसिल, 0.61 जो है वो आपका प्रैक्टिस से हो जाता है कि 2 times हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 1/2, और यू कैन से रेशियो 0.5, सो आंसर विल बी ए। ओके बेटा क्लियर होगी इतनी बात, वेरी गुड। क्वेश्चन 26 पे ध्यान दीजिए, 26 पर इन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन जी और एच, ये रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन में दो जी और एच रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन दोनों की डबल करती है तो रेट 8 times हो गई है, तो बताइए जी की डबल करने पर और एच की कंसंट्रेशन फिक्स रखने पर डबल हो जाती है, तो बताइए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। मेरे बेटाओ वैसे सही बात तो यह है कि सेकेंड लाइन इसने नहीं भी लिखी होती तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, अगर वो इंडिविजुअल पूछता कि जी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा एच के रेस्पेक्ट में, तो ये सेकंड जो डेटा दिया है वो जरूरत पड़ती, फर्स्ट डेटा तो हमारा पहले से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, मैं इसमें सेकंड डेटा का यूज ही नहीं करूँगा। अब इन्होंने कहा है कि आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बतानी है, ओके बेटा हो, और मैं यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर और अपना रिएक्शन जो है उसमें मैं कंसीडर करता हूँ रेट लॉ जो होगा दैट विल बी के कंसंट्रेशन ऑफ जी पे पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ
एच पे पावर वाई। ये मान ले कि एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, सॉरी जी और एच के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स और वाई है रेस्पेक्टिवली, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंसंट्रेशन जी की डबल की है पावर एक्स, एच की कंसंट्रेशन डबल की है तो पावर वाई। दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट कितनी हो गई है, एट टाइम्स रेशियो ऑफ, ये हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ द रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स रेट आर टू बाई आर वन, ये हो गया। तो इसको मैं टू पे पावर एक्स प्लस वाई कह सकता हूँ इधर, और इधर इसको मैं टू पे पावर थ्री कह सकता हूँ। सो अल्टीमेटली एक्स प्लस वाई इज थ्री, और वॉट इज एक्स प्लस वाई, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही पूछा है तो फिर तो मुझे इस पहले डेटा ही सफिशियंट है कि जी और एच की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट एट टाइम्स हो गई, बस काफी है। इसके आगे इस पार्ट की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये केवल टाइम वेस्ट हो गया हमारा इतनी। इस पैरा में अगर ओवरऑल निकालना है तो एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स और वाई अलग अलग नहीं निकालना। ओके बेटा, लेकिन अब आप ये कह सकते थे अगर इसमें आपसे पूछे तो, इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। इसने कहा है कि जी की कंसंट्रेशन डबल करने पर एक्स फिक्स रखा है, जी की डबल करने पर रेट डबल हो रही है, इट मीन्स जी के रेस्पेक्ट में दैट इज एक्स की वैल्यू जो है वो वन है, सो अल्टीमेटली वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, टू, क्योंकि दो ही है। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में वन है तो वाई की टू होगी, तो ये अलग अलग भी हम बता सकते थे। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Which one of the following statement for order of the reaction is not correct? तो मेरे बेटा order of the reactions के लिए क्या correct नहीं है, तो हमें साफ साफ दिख गया, सारे मैंने आपको characters लिखवाए हुए हैं, आप पढ़ लेना सबको। मैंने आपको बताया हुआ है कि order of the reaction fractional भी हो सकती है, तो इसने कहा है can't be fractional, यही answer हो गया। Is that clear बेटा? Yes मैं इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस आगे लेता हूँ जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है इस सेशन का, लेकिन जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं बेटर है, और जो रह जाएंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग बेटा हो मैं सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें इन्होंने कहा है 28 क्वेश्चन में द रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन 40 मिनट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस टू 0.1 to 0.025। अब मेरे बेटा हो इसका मतलब 0.1 से 0.025 रहने का मतलब है कि ये 1/4 हो गई, और 1/4 में अगर आपका लग रहा है 40 मिनट, इसका मतलब दो हाफ लाइफ है, दो हाफ लाइफ 40 मिनट है, तो एक हाफ लाइफ कितनी होगी 20 मिनट। ओके बेटा हो, तो आपको यहाँ पे टी हाफ मालूम चल गया 20 मिनट, आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसने पूछा रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ 20 मिनट, मैं ओरली करके बता रहा हूँ 40 मिनट है वो, दो हाफ लाइफ है, कैसे प्रूव हुआ 0.1 से 0.25 रह रहा है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.01, बस सॉल्व किया हमने और हमारे सामने आंसर आ गया। ओके बेटा हो, सी 0.465 होगा, तो आप उसको आप 47 कह सकते हो 3.2। इसके आगे हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन की, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन 800 से 50 डिक्रीज हो रही है, ये प्रैक्टिस की बात है, आईक्यू वाली बात है, 50 अपॉन 800 का रेशियो 1/16 होगा, जिसको मैं 1/2 पे पावर 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फ्रैक्शन बताता है कितना कम हो जाएगा, और यहाँ पर जो एन होती है ये हाफ लाइफ होती है, व्हाट इज एन ईयर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो अगर मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम है, वेरी गुड बेटा, तो अगर मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम है और यहाँ पर रेट कांस्टेंट पूछा है, तो पहले मुझे हाफ लाइफ निकालनी पड़ेगी। देखिए आप लोग हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हो बेटा, हो आप लोग जानते हो टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू टी हाफ, ठीक है ना, तो हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू टोटल टाइम कितना दिया है 2 × 10⁴ सेकेंड अपॉन एन, कितना है नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4, सो इट इज 5 × 10⁻³ सेकेंड, ये हो गया बेटा हाफ लाइफ। इसने पूछा है रेट कांस्टेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज 5 × 10�³। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा मेरे बेटा हो सी। ओके बेटा, इसी तरह से आप देखते हो 30th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट उसने वैल्यू दी हुई है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा
आपके डिफरेंशियल फॉर्म में दैट इज 10 डेरिवेटिव के साथ, तो रिएक्टेंट यहाँ पे एक है कोफिशिएंट नाइट्रोजन का तो माइनस डी एन टू बाई डी टी, हाइड्रोजन का तीन है तो माइनस वन बाई थ्री डी एच टू बाई डी टी, और अमोनिया के रेस्पेक्ट में दो है ये प्रोडक्ट है तो प्लस हाफ डी एन एस थ्री बाई डी टी, आंसर ए। 31 क्वेश्चन में आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस में पढ़ा चुका हूँ, आप उस वीडियो को फिर से रिवाइज करना। हमने बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में फोटोकेमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती, उसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। 32 क्वेश्चन देखे आप लोग बेटा हो, तो रेट कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है पर सेकेंड से, क्लियर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसने रेट दी हुई है रिएक्शन की, कंसंट्रेशन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। आपको रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पर के आपको गिवन है, आर आपको रेट गिवन है, N2O5 निकालना है, सो N2O5 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेट अपॉन रेट कांस्टेंट के। आप इस रेट में जो दी हुई है, इस रेट में आप रेट कांस्टेंट का इसका डिवाइड कर दें, 0.8 आ जाएगा, 3824 है ना बेटा, तो आंसर विल बी डी। 33 क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का जो होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो, रेट कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 34 क्वेश्चन में भी ये कहा है, किस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डाउट सेशंस में वापस फिर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हो आज के लिए इतना काफी है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना, बाय बाय, टेक केयर।